हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्या आप हेयर पैच यूज करने को जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम, और यूज करना चाह रहे हैं क्लिपिंग मेथड पे, और आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं कि क्या सभी पैच को, जो भी पैच मौजूद है मार्केट में, क्या हम किसी पैच को भी क्लिपिंग मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज ना करें। क्योंकि आप इस पैच को देख सकते हैं, इसे कहते हैं फुलेस पैच। अगर इस पैच को मैं क्लिपिंग मेथड पे इस्तेमाल करूंगा तो ये होगा कि जहां तहां से ये फूल जाएंगे काफी, क्योंकि इस पे बॉर्डर नहीं है, तो इसमें सपोर्ट जो मिलनी चाहिए क्लिप को वो अच्छे से नहीं मिलेगा, तो जिनके कारण क्या होगा कि इसमें लुक अच्छे से नहीं आएंगे। ये जबकि पैच महंगे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि पैच सिर्फ महंगे होने से लुक का अच्छा होना ये जरूरी नहीं है। पैच अच्छा होना और टेक्नीशियन का अच्छा होना, जो आपको अच्छे सलाह दे, उसका अच्छा होना बेहद जरूरी है, जो आपके फेस के हिसाब से हेयर पैच को कटिंग करे और कौन सी मेथड आपके लिए सुटेबल हो वो आपको गाइड करे, उसका होना अच्छा बेहद जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप हेयर पैच यूज करना चाह रहे हैं, जैसे क्राउन एरिया का पैच को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्लिपिंग मेथड पे खुद भी यूज कर रहा हूँ, और ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। तो अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें, ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन पैच के रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप देख पा रहे हैं मैं पैच जो यूज कर रहा हूँ क्लिपिंग मेथड पे, सामने में टेप है, क्योंकि यहाँ पे हेयर बहुत कम है तो टेप यूज किया जाता है, और तीन साइड मेरे क्लिप हैं। तो जब भी क्लिप वाली जो सक्सेस होता है पैच, वो जो बॉर्डर पूरे में होते हैं ना, मोनोफिलामेंट जिसको कहते हैं, चाहे जो भी पैच हो, मिराज हो, या आपका यूएसबी मिराज हो, गोल्डन मिराज, जो भी कंपनी की हो, या अपोलो हो, यूएसए हो, जो पूरे बॉर्डर में होते हैं मोनो पैच जो होते हैं, वो आप क्लिपिंग मेथड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी फुललेस हेयर पैच, क्योंकि एक दो केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने, या मेरे को पता नहीं कि क्यों कर दिया भाई ने, मेरे ख्याल से कम एक्सपीरियंस होने कारण ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी पैच सेंटर जो अच्छे होंगे मेरे ख्याल से वो ऐसा कोई भी क्लाइंट के साथ नहीं करेगा। फुललेस पैच में कभी भी क्लिपिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रीजन ये होता है कि जब आप इसे हम लगाएंगे ना, तो ये जिस कपड़े होते तो ये क्या होंगे, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, और ये बॉर्डर क्या होते, बॉर्डर में तो सपोर्ट है तो ये फोल्ड नहीं होता है ना, लेकिन ये कपड़े क्या होते, ये सपोर्ट नहीं मिलने कारण ऐसे फोल्ड हो जाते, जिनके कारण लुक जो होता है बहुत ही गंदा आता है। तो मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि कोई भी पैच को लेने से पहले उसके बारे में तहकीकात अच्छे से करें, जानकारी हासिल अच्छे से करें, क्योंकि पैच लेने के बाद में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट से पैच खरीद लेते और कॉल करते कि मेरे को कटिंग करानी है। तो आप जहां से भी पैच खरीद रहे हैं, आप कोशिश करें वहीं से कटिंग कराने की, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि और कौन सी पैच में नहीं करा सकते, जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते कि क्या मैं ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच पे क्लिपिंग मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकते हैं। लेकिन रीज़न क्या होता है कि आप पैच जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें पैसे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, और उसके इन्वेस्टमेंट 15,000, 18,000, 25,000, सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होते हैं, क्योंकि कंपनियां अलग अलग होती हैं जिनके कारण भी ये रेट अलग अलग सा हो जाता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन पैच खरीदते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसके बॉर्डर जो होते हैं बहुत ही पतले बॉर्डर होते हैं। तो पतले बॉर्डर होने का कारण ये होता है कि एक बार जहाँ पे आपने क्लिप लगाया, क्लिप कभी भी इनके से अगर फ्लैट कर गया, क्लिप भी खराब हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ये क्लिप चलने वाला है जब तक पैच है, ऐसा नहीं है, ये चल भी सकता है या खराब भी हो सकता है। तो एक से दो बार अगर इनके खराब हो जाता है क्लिप, और एक बार से दो बार आप वहीं पे लगाते हैं सेम जगह पे, तो ये जो पतले होने के कारण क्या होते हैं, वो फट जाते हैं। तो उसके कारण भी ये जो ऑस्ट्रेलियन पे जो होते हैं, तो मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं है। इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि बहुत जल्द आपके पैच खराब हो सकते हैं, और आप पैसे लगा रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पैसे लगा रहे हैं तो पैच थोड़ी ज़्यादा दिन चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप इस ऑस्ट्रेलियन को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो टेपिंग या तो ग्लू फिक्सिंग पे आप ही रह सकते हैं। एक और होता है जैसे कि फ्रंटलेस का नाम सुना होगा आपने, ये क्या होता है कि साइड से पूरा बॉर्डर होता है पीछे तक, साइड से बॉर्डर पीछे तक का होता है, और सामने में जो होता है कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर लेस होते हैं, इसे कहते हैं फ्रंटलेस। तो फ्रंटलेस में भी बहुत सारे लोग हेयर पैच लगाना चाहते हैं क्लिपिंग मेथड पे, तो इस पे भी आप लगा सकते हैं।
इस पे भी लगा सकते, लेकिन सामने में क्या होगा, ये टेप आपको करना पड़ेगा और तीन साइड में आपकी क्लिप हो जाएगी। इसमें भी लुक बहुत ही ऑसम आता है, लेकिन इसमें भी सेल्फ सर्विस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब सेल्फ खुद से लगाने में प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे लोगों को। मैं किसी बात को नहीं छिपाता, तो मैं ये इस वीडियो में भी नहीं छिपाने वाला, क्योंकि जब आप यूज करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम है, जिनको यूज टू नहीं हुए हुए रहते, न्यू पहली बार लगाते या दो बार चार बार उन्होंने यूज किया है और वो घबरा जाते। एक जब यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से टाइट कर करके करनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं ऐसा फट जाए, थोड़ी सी नॉर्मल टाइट करके खींच कर करके इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हल्के से खींचेंगे ऐसा रहेगा ना, तो बीच में ये भी फोल्ड हो जाता है। ये फोल्ड जब हो जाएगा तो सामने का लुक थोड़े से भी फोल्ड हो जाएंगे तो देखने में गंदा लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर क्लिपिंग मेथड पे आप हेयर पैच यूज करना चाहते हैं तो मोनो में सक्सेस ज्यादा देखा जाता है, जिनके कारण लुक भी अच्छे आते और पैच ज्यादा दिनों तक चलता भी है। तीसरा ये होता है कि लुक आप इसमें बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रख सकते, और हेयर पैच अगर आप क्लिपिंग मेथड पे यूज कर रहे हैं तो इसे पहन कर सोना नहीं चाहिए। ये नुकसान होता है सोने में कि जहाँ पे क्लिप लगा होता है वहाँ का हेयर जल्द चला जाता है, जैसे कि जो जाना चाहिए 2 से 3 साल में वो आपका 1 साल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये गलती कतई ना करें। दूसरी बात कि हेयर पैच अगर क्लिपिंग मेथड पे यूज कर रहे हैं आप, तो इसे पहन कर आप नहा नहीं सकते, क्योंकि नहाते वक्त में हम लोग करते क्या है कि जब भी पानी हम लोग डालते सर पे, तो उसके बाद में हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट तो किसी पैच को भी नहीं करना चाहिए कोई भी हाल में, क्योंकि सारे पैच को जब भी कॉम करें, पानी को यूज़ करें, उसके बाद में कॉम स्ट्रेट रखें या हाथ से ही करें तो स्ट्रेट रखें, इस तरीके से रोटेट नहीं करें कभी भी, वरना पैच खराब हो जाता है। तो इस क्या होता है कि हम लोग जब भी हाथ करें या कॉम करेंगे क्लिपिंग मेथड पे वाले पे, तो ये प्रॉब्लम ये होगा ना कि उसमें वेट लगेगा तो वहाँ का जो हेयर होता है वो निकल जाता है। तो इस गलतियों से बचने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मोनोफिलामेंट जो पैच होते हैं, इस पर आप यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करें। अगर क्लिपिंग हेयर पैच ले रहे, इसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ आती हैं, 12, 15, 18, 25 में बहुत सारी क्वालिटी हैं, और ये 8000 से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। जो मैं पहन रहा हूँ खुद, ये 12, 15 दो क्वालिटी में मैं पहनता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, दुआओं में याद रखें।